आज हमने ये प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत पकौड़ियों का इंतजाम किया है। पकौड़ियों की दुकान खोली है यहाँ पर और सुबह से 11 बजे से ये पकौड़ियों की लगाए बैठे हैं यहाँ पर। कोई 20 रुपये किलो लेने को भी तैयार नहीं है। जिस तरीके से अभी 4 दिन पहले अमित शाह जी कह रहे थे, क्या नाम है, कि पकौड़ियों का कारोबार भी अच्छा है। हाँ, पकौड़ियों का कारोबार भी अच्छा है, मगर यहाँ कोई 20 रुपये किलो लेने को तैयार नहीं है। तो आज कल का नौजवान जो बेरोजगार युवा है वो क्या करेगा, किस तरीके से अपना रोजगार करेगा, जो लाखों रुपया खर्च करके पढ़ाई पर और वो एक मतलब ये इंजीनियरिंग और ये करके जब आता है वो बेरोजगार होता है तो वो क्या करेगा। हम उनसे ये पूछना चाहते हैं कि जिस तरीके से हिंदुस्तान के अंदर बेरोजगारी फैली है, इसका कौन जवाबदेही है? प्रधानमंत्री जी जवाबदेही हैं या अमित शाह जी जवाबदेही हैं? सुबह से अभी तक हमारी 1-1.5 किलो पकौड़ी बिकी होगी अभी, जबकि 20 रुपये किलो हम पकौड़ी बेच रहे हैं। प्याज की और आलू की पकौड़ी है और ब्रेड वाले पकौड़े हैं। हमने 50 किलो आलूओं की पकौड़ियाँ बनाई थी जो अभी तक ऐसी रखी हुई, उसमें से 1 किलो भी की है अभी कुल। और सब एम ए पास लड़के हैं, MBBS लड़के हैं जो पकौड़ी बेच रहे हैं। जिस तरीके से सुबह से पकौड़ियाँ लगाए बैठे हैं उसी तरीके से ऐसी खाली हाथ पे हाथ रखे हुए इस तरीके से बैठे हैं कि इस पे मक्खी ना बैठे, मक्खियों से बचाव उनका कर रहे हैं। ये सब चीज़ें उसके अंदर हैं।